पावन महान ग्रंथ है जिसमें कविता परमात्मा ने जहाँ योग विद्या का ज्ञान किया वहीं मोक्ष का तत्व ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए कविता परमात्मा ने प्रदान किए और जो विज्ञापन लोग हैं जो श्रद्धात्म लोग हैं जो मोक्ष के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा रखती है दोनों ने ही भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में योग्य पात्र बनकर मोक्ष पद की प्राप्ति की है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। जब सभी कृष्णाएँ इच्छाएँ समाप्त हो जाती है और अवैज्ञा भावना को भी होता है तब मोक्ष पद को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी योग्य पात्र बनकर अमृत पद की प्राप्ति हो जाती है और संसार की कृष्णाओं की प्राप्ति के प्रसाद से संतुष्ट नहीं हो पाता ऐसी कृष्ण की गर्म में जलता रहता है तो आज की स्थिति में ऐसी कृष्ण की गर्म समझ करके मोक्ष के कर्तव्य को प्राप्त करने की अपेक्षा को जैसा मोक्ष राजा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में प्रकट किया। कृष्णाएँ अच्छाएँ हैं जिस संसार को प्रणय की कभी भी संपन्न हो पाते एक इच्छा पूरी हुई एक कृष्णा पूर्ण हुई तो संसार प्राणी दूसरी कृष्ण अच्छा के लिए दूसरी के बाद इसकी होती इस प्रकार धर्म सारा जीवन कई प्रकार के कृष्णा की जन्म में चलता रहता है। समाज
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭੀ ਲੋਕ ਅਦੁਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦੁਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਲਿਏ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੀ ਹੈ ਤੋ 3 ਮਈ ਕੋ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕਰ ਸਾਬਤ ਹੁਆ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਸਭ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਗੋਬੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਏਕਦਮ ਬੜਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਰੋਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਸਭੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਚ ਛੋਟੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ
दोनों ही भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में योग्य पात्र बनकर मोक्ष पद की प्राप्ति की है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। जब सभी तृष्णाएं इच्छाएं समाप्त हो जाती है और अवैज्ञ भावना को भी होता है तब मोक्ष पद को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी योग्य पात्र बनकर अमर पद की प्राप्ति करती है और संसार काल के चक्र से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष का अर्थ है तत्व ज्ञान जो मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों के महादेव श्री शंकर ने प्राप्त किया। मोक्ष का अर्थ है तत्व ज्ञान जो ऋषि विशिष्ट ने ऋषि भारद्वाज ने परमपिता परमात्मा के चरणों से प्राप्त किया। मोक्ष का अर्थ है तत्व ज्ञान जो चक्रवर्ती सम्राट राजा सगन को मिला उसी मोक्ष के तत्व ज्ञान को जम्बूदेव के राजा हरिष्ठ ने भी प्राप्त किया। आइए इस मोक्षों को जरूर करें। वैराग्य प्राचीन काल में जम्मू द्वीप में हरिष्ठ नेमी नामक एक राजा रहते करता था। वह बहुत ही गुणी ज्ञानी वह परमात्मा होता था। एक दिन उसके मन में जगत संबंधी शंका उत्पन्न हुई और विचार और उसके मन में जीवन संपत्ति स्त्री आदि संसार पदार्थों एवं भोगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय हो गया। उन्हें संसार में सर्वत्र खुद की कुशल दिखाई देने लगा तथा वे संसार के भोगों की क्षण भोगता का अभाव करने लगे। वे शास्त्र केवल शांति प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। धर्मात्मा आदि शिष्ट ने भी अपना पूर्ण राज्य अपने प्रतिभावान पुत्र को सौंपकर स्वयं आत्म शांति की प्राप्ति के लिए भूमंडल पर स्थित विभिन्न स्थानों में विचरण करने के लिए चले गए। तब वे यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी साथ नहीं है। इस जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु भी है जिससे आज तक ना ही कोई बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। इस संसार में लोग मरने के लिए भी पैदा होते हैं और फिर पैदा होने के लिए ही मरते हैं। यह सृष्टि चक्र सदैव इसी प्रकार से चल रहा है। इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस संसार में भोगी ही भोग अंत में भोगी का ही कार्य करते हैं। इस संसार में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। इसी चिंता में अंदर राजा ऋषि ने जीवन मुक्ति की खोज में विक्रम करते हुए कमता नदी के तट पर स्थित आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि वहां पर सभी पशुओं का पक्षी अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर अनंत और प्रेम से विचरण कर रहे थे। आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वहां पर शेर और मृत बाघ और चिड़िया सांप और मेघला आदि बलशाली व निर्बल पशु पक्षी अपने दूसरे को मारने वाले उनके स्वभाव को त्याग कर अनंत और प्रेम से विचरण कर रहे थे। वहाँ उनकी शांति का अनुभव हुआ और नमने आशा की किरणें फूटी। तब वैसे ही उनके इन्हीं चरणों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी आशा में उन्हें भगवान वाल्मीकि के चरण कमलों में पुष्पों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी पूजा की और विनय पूर्वक निवेदन किया। इसी प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी महाराज इस भूतल पर आप जैसे तत्व ज्ञानी भूत विषय की व्याख्या परम ज्ञानी मुझे भी बहुत दृष्टिगुत नहीं आता। उस सूर्य के समान अपनी किरणों को देख कर समुचे मानव समाज के लिए अज्ञान की अंधकार को दूर कर सके और मुझे दिव्य ज्ञान की चक्षु शांति प्रदान कर सके। हे भगवान मुझे सनातन संसार में सुखों की कोई उलासा नहीं है। आप कृपया करके बताइए ये संसार के मौके होके जो पिता भूमि है उसके लिए मैं किस तरह से मुक्त हो सकता हूँ। अर्थात मुक्ति का साधन क्या है, मोक्ष का साधन क्या है। भगवान वाल्मीकि ने कहा
ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਿਆ ਪਾਤਰ ਸੰਸਕਰਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿਤ ਹੈ ਐਵੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ਟੀ ਹੀ ਮੋਕਸ ਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਸ਼ੀ ਸੁਨੇਹੀਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸੁਨੇਹੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ਕਤਾਰੇ ਉਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਨੇਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਸੀ ਸੁਨੇਹੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਿਧਨ ਉਸਕੇ ਦੋ ਰਾਜਕੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾਵਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਤੀ ਰਤਨ ਸਮਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣੇ ਮਨ ਕਰਮੋ ਸੇ ਮੋਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰਿਤੀ ਨਿਆਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਮੋਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾ ਮੁੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਸਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੂੰ ਔਰ ਕਿਸਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਾ ਹੋ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕ ਕੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖੋਂ ਕਾ ਸਾਧਨ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਏ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਨਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਨਗਰ ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਦਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਲੋਕ ਕੀ ਮੁੱਖੀ ਸੇ ਸੁੱਖੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਜਿਕਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੈਣ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬ ਤਰਸੁਰਤਾ ਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਖੂਰ ਧਰਮ ਉਦਾਰਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਵੈਰਾਗਿਆ ਦਇਆ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੰਪਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੇਕ ਸੰਤੋ ਕੀ ਜਨ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਜਨ ਬੋਧ ਕਿਸ਼ਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇ ਦਾ ਚੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਚਿੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ ਦਾ ਤੱਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਗੁਣ ਉਲਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜਸੀ ਨੇ
ऐसे संसार में धन प्रपति धन लोक का निपटान करते हुए उसकी निंदा की है और केवल केवल मोक्ष के तत्व ज्ञान को स्वतंत्र धन को प्राप्त करने के को प्राप्त करने की ऐसी बदतल इच्छा अपने जीवन में उत्पन्न करता है कि वह अच्छा हुआ सत्य असत्य उचित अनुचित नैतिक अनैतिक धर्म अधर्म का ज्ञान को देता है। सारा जीवन संसार के धर्म संपत्ति धर्म दोष को अर्जित करता है प्राप्त करता है और जब मृत्यु होती है तो इस प्रकार सारा जीवन अर्जित की गई धर्म संपत्ति धर्म दोष कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा पाता सब कुछ यही धरा धराया रह जाता है। तो बहुत सा धन है जो संसार के प्राणियों को इस जीवन में इकट्ठा करने का सिद्ध करने का प्राप्त करने का प्रयास रत्न करना चाहिए। कबीर जी वाणी में कहते हैं कबीरा को धन धन जी जो आगे आगे मुक्ति का समय आता है तो कोई भी संसार के प्राणी संसार के धन बहुत संपत्ति को मोड़ने के बाद करके लेकर के नहीं जा पाता सब कुछ यहीं दरार लाया जाता है। कबीरा शोधन संचेत जो आदमी को हो तो बहुत सा धन है जिससे संसार के प्राणियों को ये जो मानव जीवन है सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जीवन है प्राचीन है इस जीवन में क्या क्या परिता परमात्मा के नाम का स्मरण हमारे जीव कर्म हमारा जीव आचरण परोपकार परमात्मा के कार्य है ये ऐसा शुभ धन है जो आदमी हमारे काम आता है। बाकी जो भौतिक पदार्थ है धन संपत्ति है ये सब चीज यही खराब है जाता है। तो वास्तविक में ऐसे संसार के धन दोष धन संपत्ति की निंदा करके मोक्ष के कर्तव्य राजनीति ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज नाम के शत्रों में ना पुरों में ना बंधुओं में ना राज्य में और ना ही संपत्ति में जो लोग हैं धन से क्या राज्य से क्या और अनेक प्रकार के राजों से क्या भोगों से क्या ये सब दर्शनिक सुख देते हैं कि प्रभु मान की बाल्यावस्था में आप अपने कृष्णा नानों प्रकार की वस्तु को साझा हो जाता है और थोड़ा सा गुस्सा दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है वह सदा अपवित्र सामने होता है वह सदा जी रहता है देखते हुए बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। अतः प्रभु ऐसी अवस्था से मुझे मोहनी है मुझे केवल केवल मोक्ष का सत्कर्म प्रदान करने की कृपा वाल्मीकि महाराज युवा अवस्था में पुरुष की जो प्रवृत्तियाँ चंचल होती हैं और वह रात को शादी का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। वह काम वासना के वशी होकर नाना प्रकार की चिंताओं में जलने लगता है यौवन लड़का हुआ है और नाना प्रकार की भ्रांतियों का जन्म जाता है जो युवा अवस्था में नष्ट के मानव विनाश से बचते हैं। वे माँ कुछ धन्य हैं जिन्होंने भीषण यौवन के संकट को सुख पूर्व कर पवित्रता से पार कर दिया है। यौन अवस्था विषय विकार की जननी है दुख से परिपूर्ण काम बाण युक्त नित्य संताप होती दोष देने वाला जोड़ मुझे अच्छा नहीं लगता इस काल में गुणवान सदाचारी एवं उदार चित्त वाले पुरुषों की निर्भर बुद्धि भी मलिन हो जाती है। यौवन प्रचंड गांधी के समान है जब से चरम सीमा पर पहुँचती है तब काम को नारी वासनाएं उत्तेजित हो जाती है। बड़े बड़े मगरमच्छ से जुड़कर सागर को तैरा जा सकता है पर जो विश्व वास्तव की महाप्रभु के कारण उम्र हुए अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन को पार करना अत्यंत ही कठिन है। यौवन में मद मस्कर कृष्णा के समान विकार उत्पन्न करने वाले लोग हैं इस कचरण मन और सौंदर्य भाग करने वाले अग्निशिका के समान है जो संपर्क में अपने मन को तरण के समान ला देते हैं इसलिए हृदय की कोशिश है।
सरकार श्री मोन जैसे मेडिकल की संजय के प्रति हम का जो पता है उसी प्रकार के भीतर जरा मतलब देखने की मृत्यु दूरी जब आती है फिर सरकार पाप को और शांति को विकसित कर देती है जिससे कह है सुधरा सफल जिगर पीड़ा हो जाता है अर्थात शीर जवान की तरह झुक जाता है अतः प्रभु ऐसी अवस्था से भी मुझे कोई मोह नहीं है मुझे केवल और केवल मुख का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। राजश्री देवी ने भगवान वाल्मीकि महर्षि के पक्ष जो संसार में जीवन की अवस्थाएँ आती हैं उन अवस्थाओं का ध्यान करते हुए कहा सर्वप्रथम बाला अवस्था का ध्यान करते हुए कहा कि बाला अवस्था में जो बालक है देखे और बिना देखे सभी वस्तु दिखा करता है क्या थोड़ी नहीं प्रसन्न हो जाता है और थोड़ी नहीं लुप्त हो जाता है उसको प्रसन्न करना तेरी कीमती सम्मान है। राजी सिंह ने कहा कि प्रभु ऐसी अवस्था से मुझे कोई मोह नहीं है चौदह अवस्था का ध्यान रखेंगे। राजी सिंह ने कहा गुणवान विद्वान को किसी नंद बुद्धि से मलिन हो जाती है इस बुद्धि पर ये जो पुजनी है जिन्होंने पिछले लोगों की संकट को सुखपूर्ण सुरक्षता से पार कर दिया है वृद्ध अवस्था के दोस्तों का ध्यान कर दीजिए। राजर्षि स्मेरी ने कहा कि वृद्ध अवस्था जो संसार के जीवन में आती है कि जो शरीर है शरीर के भीतर कई प्रकार के लोगों की भक्ति हो जाती है ये जो शरीर है तीस मान की तरह झुक जाता है टेढ़ा हो जाता है और जैसे साइंसकाल की अंदर के पास होते ही अंधकार हो पड़ता है उसी प्रकार इस शरीर के भीतर जरा नक्शा वृद्ध अवस्था देखते ही सूर्य की दूरी चली आती है। तो आज के लिए जीवन के तंत्र का ध्यान करके इनकी निंदा की है और केवल केवल मोक्ष से अंतर ज्ञान को प्राप्त करने की अपने इच्छा से जिज्ञासा इसे प्राप्त करके आम हमें उत्तरी हो जाती है जन्म मृत्यु के बिल्कुल जी प्रकारा से जाता है। तो ये जो अवस्थाएँ हैं कि संसार को पाने के लिए जीवन में आती है बाल अवस्था यौन अवस्था वृद्ध अवस्था तो संसार को पाने को किस जीवन को शांति करने का प्रसन्न प्रयास करना ऐसी करते करते हम अपने जरूरी तो ये जो जीवन है कल्पना परमात्मा ने कर्मों के साथ प्रमाण किया है जिसने पापों की मुक्ति प्रदान की है ये जीवन की अवस्था है अगर कई बार मिलता है जन्म देने के चार ऐसे अहंकार की भावना से मुक्त करके मुझे केवल केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। तो संसार जीवन में संसार प्राणी को हर प्रकार के अहंकार का होने का मैं का ज्ञान करके विनम्रता जीवन को व्यतीत करने की चेष्टा प्रयत्न प्रयास करना चाहिए ताकि ये जो मानव जीवन है परमात्मा ने कर्मों से प्राप्त किया है यह साफ है। तो अहंकार का त्याग करना युक्त है कोई अहंकार करता है ज़्यादा शुक्र होने का बलवान होने का विद्वान होने का धनवान होने का किसी भी क्षेत्र में किसी निपुणता प्राप्त हो जाए तो कई बार अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और जब अहंकार की भावना उत्पन्न होती है तो जो मतन है ईश्वर का प्रारंभ हो जाता है तो संसार प्राणी को हर प्रकार का अहंकार का त्याग करके निर्मल जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करना प्रयास करना चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं व्यक्ति शरीर नानका सोचना चाहता है निर्मलता नहीं है मेरे रहने हैं संसार में जब आती आती है भगवान आते हैं संकट आते हैं जो व्यक्ति जितना जानते हैं छूट जाते हैं और जो व्यक्ति जितना जानते हैं जब आमिया भगवान संकट निकल जाते हैं ये दबा अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। तो संसार प्राणियों को
हर प्रकार के हिसाब का त्याग करके जीवन बीत करने की चेष्टा प्रथम प्रयास करना चाहते हैं। एक बार एक महात्मा मुझे संस्थान थी ऐसे घरों में वृद्धि व्यापक लेते हुए थे, तो उन्होंने सभी शिष्यों को मैंने पास बुलाया। सभी शिष्यों को अहंकार से हमने निरुक्त करने के लिए और नम्रता की ज्ञान देने के लिए कुछ महासत्ता प्रदान कर सके। और मेरे जो नाम है कि भोग संत होने के कारण मृत्यु से पहले लोग जाते हैं छड़ जाते हैं, लेकिन मेरी जो जीता है कौन जन्म होने के कारण जब भी जन्म लेता है अपनी बात होती है और जब विभिन्न अवस्था में पहुँचता है मृत्यु को प्राप्त होता है अपनी बात भी रहती है। तो जब महात्मा ने अपने सभी शिष्यों को संसाधित जीवन में रहते ही संसार की उन्नति करते हुए हर प्रकार के भवन के अनुसार से होंगे से नए होने देंगे और नम्रता की ज्ञान की बात बताएंगे। परम पूज्य है आदि सदगुरु प्रभु नंद जी महाराज ने बाबू वाणी में लिखा है, मेरे श्री राधा श्यामू मनु प्रतिष्ठा की आल से भ्रमण न हो मुझे भावना होकर मारती इन संसार के प्राणियों के लिए पूछने वाले कि भगवत वाल्मीकि जी महाराज हम प्रचार की कर जाए संसार के अंदर शुभ प्रचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आज के भगत नाम मुझे हमारे जीवन में ना तो किसी प्रकार का आलोक हो, हम समय का सदुपयोग करें और किसी प्रकार का जो भगत है वो हमारे जीवन में ना हो, ना ज़्यादा सुंदर होने का पलवान होने का वही मेरे यजमान होने का धनवान होने का किसी क्षेत्र में भूमिका प्राप्त करने जाए तो किसी प्रकार की संसार की भावना हमारे भीतर ना हो। भावना होकर परमात्मा की भावना दूसरों के काम आने की दूसरों का भला करने की इस काम से जो भावना है वह हमारे भीतर हो, वैसी कामना काम वाली है। पवित्रता परमात्मा ने चरणों में रखी है कि मेरे दाता चाहते बहुत नजर चाहती आज से भ्रमण न होने भावनाओं पर मारते राजनीति देने में ऐसे प्रकार की भावना जो मुक्त हो सके केवल केवल मुक्ति अंतर चरण को प्राप्त करने के लिए पवित्रता परमात्मा के चरणों में विनती की है। प्रार्थना की है संसार की भूमिका सभी जो संसार है इस तरह जो गुण है और काफी जन्म है राजनीति के लिए आज प्रार्थना जो कहा कि भगवत राजनीति की महाराज जिस प्रकार सभी देखते बड़े बड़े चीजों को नष्ट कर देता है इसी प्रकार काल से आदि की प्रकृति हुए प्रतिदिन काटता रहता है। जैसे लोग सूर्य छोटे छोटे सभी पसंद होते हैं और छोटे छोटे आदमी समय पत्र पर फिर जनता के समान है कितना मजबूर है और अपने आदमी है और आदमी है ये भगवान मानव का मन चंद्र है जिसके सरता के लिए है युवा अवस्था भी अच्छा चंचल है उसके जाने जाने का बाल्यावस्था बहुत ही जानती है और कृष्ण केवल कृष्ण है। अतः ये प्रभु इस मिशन को जीवन से मुझे कोई मोहनिंग है मुझे शिविर और शिविर मुक्त का पत्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। जो बोले पानी में दुर्गुण आत्मा होता है और क्षण वर्ण हो जाता है उसी प्रकार से मानव जीवन है कि जीवन की इतनी अवधि है कि फिर संसार में कोई भी जान नहीं पाया। तो आज की स्थिति में ऐसे किसानों को जीवन का त्याग करके केवल और केवल मोक्ष के अंतर्गत
पर पिता परमात्मा की बरकत में प्रकट की है। तो संसार का भाइयों को की बात की जाती है कई लोग निकल रहे हैं जब तक परमात्मा की बातों की आत्मा जीवन के भीतर विद्यमान है आत्मा है तब तक ये जीवन है तब तक हम जीवन है तब तक भाग्य है। उसी प्रकार की आत्मा पर पिता परमात्मा के जन्म उत्पन्न होती है और अपनी संसारिक यात्रा बाल्यावस्था यौवन अवस्था वृद्धावस्था वृद्धावस्था इस जीवन में कई प्रकार के यात्रा को पूर्ण करने के लिए अंत में मृत्यु के पश्चात उसी पर पिता परमात्मा के जन्मों में विलीन हो जाती है। ये सारा संसार के जन्म है परमा में नसोने वाले हैं जीवन की जितनी अपनी है इसे संसार में कोई बिल नहीं पाया जन्म से लेकर के मृत्यु था इसके बीच का जो मामला है जिसे हम संसार योग जीवन कहते हैं और जीवन की अपनी जितनी है कि कितने वर्षों का है कितने महीनों का कितने सप्ताह का कितने दिनों का कितने क्षणों का इसे संसार में आज तक कोई भी समझ नहीं पाया ना ही के वैज्ञानिक समझ पाए ना ही कोई विद्वान समझ पाए ना ही कोई वैद्य डॉक्टर समझ पाए किस जीवन की अपनी जितनी है कि केवल और केवल मुक्तदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के हाथों में है। परमात्मा ने हमारे संसार जीवों को हम सभी संसार प्राणी को जितनी स्वास्थ्य बुद्धि प्रदान की है सभी संसार प्राणी पर ही संसार जीवन व्यतीत करते हैं। भगवत भगवान की विजय सत्य है हर पाप धोती भगत जी परमपिता परमात्मा ने उनको जितने पापों की बुद्धि प्रदान की थी उतने पापों की बुद्धि को पूरा करते थे जो यौन अवस्था की अपनी संसार के अंदर को पूर्ण करते थे मुक्तदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के पावन तत्वों में जान लगे तो ये सारा संसार कितना जरूर है आत्मा में दर्श होने वाला है जीवन के लिए उतनी है कि केवल केवल पर पिता परमात्मा के हाथों में है। श्री गुरु नानक देव जी वाणी में कहते हैं चिंता का कीजिए जो अनुभवी हुए कि आज संसार को नाम करने हुए उस बात की चिंता रखिए संसार के अंदर अपने अनुभवी धर्मा कहते हैं तो पर पिता परमात्मा का बनाया गया जीवन परमात्मा ने सभी संसार के प्राण को जितनी बहुत सी व्यक्ति को समाना चांद के छोटे लोग को तुम पर अनुभव बचा है ना मिला इस प्रकार के जानवर सका हुआ चक्कर जानने बच्चे के पक्षी के समान को दिखाता है जैसे आम की सभी को काट कर उड़ाती है और फिर गोभी पर पड़ती है गर्दी चंदर चित्तर खंड आदि जीव नदियों में इधर उधर पड़ता रहता है मानव को उसने इस प्रकार का है कि संसार जाकर बाहर करना आप जानते ही कठिन हो गया है। अतः ही प्रभु मेरे छुट्टी गुजरात को जीत करके मुझे केवल केवल मौका सबसे ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इसकी चंचलता राजनीतिक भगवान वाल्मीकि महाराज जिनकी चंद्रता का ध्यान करते हुए कहा कई जो चिंतन मन है कि अपनी चंद्र प्रकृति के कारण और कई प्रकार के विकारों से जुड़कर इधर उधर भटक में पड़ा रहता है चंद्र चिंता आपकी राजा से शांति की प्राप्ति करने वाले संतुष्टि के समान सुख पाता है। तो राजदीप सिंह ने कहा हे प्रभु मेरे शत्रु के बीच राज को जीत करके मुझे केवल और केवल मोक्ष के तत्त्व ज्ञान को प्रदान करने की कृपा प्रदान करें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे जो तीर्थ है मन है जिसको नियंत्रण में करना वश में करना ये सभी संसार प्राणी के लिए प्रथम कार्य होना चाहिए। मन जीतने जगतीत संसार में जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है तो सभी उसने पूरे विषय पर जगत पर जीत प्राप्त कर ली है। क्योंकि मन में कई प्रकार के विचारों के ऊपर
कई प्रकार के विचारों में बहुत ही होते रहते हैं। मन में यदि शुभ विचार उत्पन्न हो जाए तो संसार प्राणी शरीर के रूप में शुभ कर्म करते हैं और संसार के अंदर मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। और मन में यदि कुछ विचार उत्पन्न हो जाए तो संसार प्राणी व्यवस्था के कारण आपके किसी प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। तो अपने मन को ठीक करके, मन को नियंत्रण करके पंचता परमात्मा के स्मरण में शुभ कर्मों से लगाने की चेष्टा प्रथम प्रयास करना चाहिए, ताकि जो मानव जीवन में प्राप्ति है यह खास हो जाए। आदि धर्म को परम विद्या को बनाने की मदद दे पावर मानी से है कि नाम होगा मन लगा प्रकट लगाए नाम प्रकट से बदल के पूरा लगाए नाम ये प्रथम लाए ऐसे क्योंकि मेरे भी आपको जानने का ऐसे मना होगी अपने मन को परमात्मा की वाणी में परमात्मा के स्मरण में रहना चाहिए क्योंकि परमात्मा का स्मरण प्राप्त है। शरीर जी कहते हैं कल को जो भी साधन है मन को हरण करे सहज समस्त उपाधि है जो मन योगी हो तो अपने मन को स्मरण में रहना जरूरी है। शरीर को लोगों ने कितना चाहिए जो परमात्मा के चरणों में बैठ रहे हैं मन भी परमात्मा के स्मरण में रहना अत्यंत जरूरी है। अभी इसका मत प्राप्त है सुभाषी के लिए वो खाना भगवान वाणी की मान के लगे चुकी स्नान करते हुए अपने आरोपी करके एक बड़े को प्राप्त करने की इच्छा अपने बैठा
बहुत ही इंसान बहुत ही सोच जो
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਆਉਣਾ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜਗ ਆਏ ਹਮ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਗ ਹੱਸੇ ਹਮਰ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ? ਐਸੀ ਕਰਦੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਬਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MH ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭੀ ਲੋਕ ਅਗਨ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਨ ਬਹਾਰ ਕੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ 3 ਮਈ ਕੋ ਉਨਕੇ ਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕਰ ਸਾਬਤ ਹੁਆ ਸੱਚ ਮਾਨੋ ਸਭ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਬੋਬੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪਠਾਇਆ ਏਕਦਮ ਬੜਾ ਉਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆਜ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਰੋਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ ਸਭੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨਿਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ ਹਰ ਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੋੜਦਾ ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੂੰਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰ ਆਗੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਹਰਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਘਾਟੀ ਪਰੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚਮਾੜੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਗੋਵੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਰਨ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਘਾਟੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੰਗੇ ਬਾਟੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੈ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਕਾਕਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਬੀ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 100 ਗੱਲਾਂ 1000 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਆ
कि मौत एक कतल सच्चाई है। मौत ने आना ये कोई दो राय नहीं है, पर जे समय अनुसार मौत आए फिर वह दुख थोड़ा घट महसूस होगा। निके निके बच्चे संस्कार करने तो बाद मैंने दोनों बच्चों को अपनी छाती के नाल आया तो मैं पूछा केड़ी केड़ी क्लास च पढ़ते हैं, मन बड़ा ऐसा होया कि छोटी उम्र के अंदर एक बाप का सिर तो साया जो चले जाना कि अज इन्ह बच्चों को नहीं पता लग रहा शायद छोटी उम्र आ, पर जिदा जिदा इन्होंने बड़े होना वा उदों का बाप का वो साया जिहड़ा वा वो महसूस होना कि साडे पिता जी इस दुनिया तो नहीं। फिर भी मैं परमात्मा के चरणों से बेनती करा कि मैं बच्चे विशेष तौर पर साड़ी बच्ची नूं परमात्मा सुकून दे शांति दे और दुख सहन की शक्ति दे। चौधरी यशपाल जी के विशेष तौर पर पिता जी सामने बैठे ने, दोबारा जिम्मेवारी जिहड़ी आ वो फिर आ गई और खास तौर पर चौधरी साहब से तो ज़्यादा जिम्मेवारी जिहड़ी आ वो इस करके भी आ गई कि पहला परिवार की जिम्मेवारी भी इस इंसान ने निभाई है और समाज की जिम्मेवारी भी अजे तक निभा रहे हैं और नाल दी नाल अपने परिवार के नाल परिवार आ उसकी जिम्मेवारी की गंदी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो भी चौधरी यशपाल जी ने बह गई। और इसी करके भारतीय आवाज ने की करण समाज ने बड़ा सोच समझ के जो शब्द आ वो चौधरी यशपाल जी ने इस्तेमाल किया कि वाकई एक कर्मयोगी और सारा जीवन बीत गया संगठन को समर्पित होकर कर्मयोगी बन गए, परिवार को सारा जीवन देते हुए संगठन को सारा जीवन देते हुए और सब तो वही गल पूरी मानवता को अपन सेवावान देते हुए सही महीने जो शब्द का इस्तेमाल सही महीने भारतीय आवाम ने की धर्म समाज ने इस इंसान में शब्द का इस्तेमाल किया कर्मयोगी वो वाकई इस इंसान से टुकता। इसलिए भारतीय आवाम ने की धर्म समाज के जो तमाम पदाधिकारी ने कार्यकर्ता ने और विशेष तौर पर जो पूरे समाज के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यकर्ता लोग प्रतिनिधि आए हैं संतगण आए हैं रिश्तेदार दोस्त मित्र भवादस परिवार के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता आए हैं, मैं दिल की गहराइया जो लिखे वहाँ तमाम सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना वा। उसे विशेष तौर पर नाम दिन बेनती करा कि ऐसी प्यार मोहब्बत आशीर्वाद जोड़ा वा जिस तरह तुम इस परिवार को गोबिंद परिवार को पहला दिने इसी तरह का प्यार मोहब्बत प्यार जोड़ा वा वो तुम इसी तरह देंदे रहना और मैं पर पिता परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों नतमस्तक होंगे हुए बेनती करा तो सारे वालों भी बेनती करा कि परमात्मा उस बच्चे को अपने चरणों वास दे और पिछले परिवार में दुख जरा बहुत बड़ा दुख वा उसको सहन की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय मानवीपाल और आशा करता है
स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें जो बोले